देखिए, जो ये हरियाणा स्टेट बोर्ड का चुनाव है, मैं आपके चलने के बाद बोल रहा हूँ, हर एक मतदाता को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो पार्टी देश के हित में, जो हरियाणा गवर्नमेंट के हित में, गरीब के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में जो साथ चलने वाले, साथ जो सबका विकास सबका साथ, ऐसी पार्टी से जो ना मेरा अपने विचार है तो ऐसी जो ना जो देश का भला हो, देश आगे बढ़े, ऐसी पार्टी को जो ना सोच समझ के वोट करनी चाहिए। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप देखते हैं कि सरकार को फोकस करना चाहिए हरियाणा स्टेट में? देखिए, फोकस है जो गरीबों के मकान बनाए हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो ने जो 10 साल जो सर्विस लोगों को मिली है, जो जमींदार है, किसान वर्ग है, उसको जो काफी जो राशि, प्रोत्साहन राशि दी गई है, मुआवजा दिया गया है, तो कई मुद्दे हैं। और जो सब जो अमन चैन शांति है हरियाणा में, 10 साल जो खट्टर सरकार रही, 9 साल, और हमारे नायब सैनी साहब ने बहुत अच्छे जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, बहुत बढ़िया मेरी जो सोच है। सर, अगर हम देखें तो यहाँ हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? दोनों ही कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। काफी जोर, मैं भी 68 साल का हो गया, हमें चुनाव काफी देखे हैं, देखते हैं, लेकिन जो हवा है कांग्रेस का, ये कुछ ही लोग हैं जो हवा कर रहे हैं। जब आप जो सोचे वो वैसी बात नहीं है। तीसरी बार फिर जो है भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार चौधरी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी को जुड़ गई और अब वहां से चुनाव भी लड़ रही हैं जुलाना से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से पहले भी आपने क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था भाई ओलंपिक आने के बाद में हम बैठकर विचार करेंगे, हमारी कोशिश होगी 2028 में ओलंपिक लड़े। और 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्हें हौसला बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, उसका मान सम्मान रखते हैं। मेरे अपने विचार थे अब 2028 ओलंपिक लड़े। फिर उसके भी बयान आए थे भाई मैं जो 2032 तक मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। पता नहीं, जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद में जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है, जहां पर मेरे को होना था वहां उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। उससे पहले उसका कोई विचार नहीं था राजनीति का, न कोई चुनाव का। लेकिन उसके बाद में जो वो उड़ा के घर भी गई है, बुलाई है, उसके बाद में उसने राजनीति का फैसला किया, यार मैंने कोई दो एमएलए विधायक कोई बन सकता है, लेकिन जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है एक उसका इतिहास होता है, तो वो जो ने कि मेरी जो थी 2028 के बाद में ओलंपिक में जो 140 करोड़ भारतवासियों ने उम्मीद थी, हौसला बढ़ाया था, प्यार दिया था, तो उनके ऊपर खरा उतरने के लिए उसने 2028 से ओलंपिक लड़ना था। और जो उसने फैसला लिया उसका खुद का फैसला है, ये हमारे कोई विचार नहीं थे। सर, हमने ये भी देखा है कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि विनेश ने आपका उस तरीके से शुक्रिया अदा नहीं करे जिस उस पे आज वो पहुंची ओलंपिक्स में, आपने उनको ट्रेन करा पर उन्होंने कभी उस तरीके से इज्जत या शुक्रिया अदा नहीं करा, इस चीज पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसके विचार है, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को जो ने जो कामयाब करे। मैंने उसके लिए दिन रात एक करके यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाई, चाहे वित्ता हो, चाहे बबीता हो, चाहे विनेश हो, चाहे ऋतु हो, चाहे संगीता हो, जो मेरा जो टारगेट था वहां तक पहुंची। और दुर्भाग्य है जो 100 ग्राम वजन से वो डिस्क्वालीफाई हुई, मुझे दुख है,
लेकिन जो कहते हैं बेटा बेटी कुपात्र हो जाए, लेकिन माँ बाप की आत्मा होती है वो अलग होती है। हमारी आत्मा आज भी वैसी है। कोई बच्चा अपना जो प्रवेश करता है, कोई नाम करता है, तो आज भी मेरी वही आत्मा है, चाहे बच्चा चाहे कुछ भी कहे। ये आप इसके माध्यम से बता दो, सारे जो मीडिया को पता है किसने इसकी जो मेहनत करवाई है, किसने यहाँ तक पहुंचाई है, ये मेरे की जब मेरे मुंह से कहने कोई जरूरत नहीं। आज वो इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, वो उसका उसने खुद ने सोचना है। हो सकता है उसका कोई मेरे जो ना करे तो भला बनता हो, तो मेरे को दुख नहीं। अगर मेरी जो मान सम्मान न करेगी उसको कुछ फायदा मिलता हो तो मैं उसके भी पक्ष में हूँ।